अत्यंत सुखद और बहुत ही ज़्यादा राहत पहुंचाने वाली ये खबर है कि कल सीएम सपोर्ट ऐप जो है उसे लॉन्च किया जाएगा। और पेट्रोल और डीजल जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बढ़ती महंगाई की मार जो है वो किस तरीके से सभी लोगों तक पहुंची है, आर्थिक तंगी हुई उसकी वजह से, आर्थिक बोझ भी लोगों पर पड़ा, और जीवन यापन और पालन पोषण जिस तरीके से वो सभी चीज़ों का विभाजन करके उसके लिए बजट तय करके किया करते थे, उस बजट में भी डामाडोल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से हो गया। नमस्कार, जोहार, मैं सृजन और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। हमारे साथ है मंजीत और हम आपको बहुत ही बड़ी खबर दे रहे हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो पिंक और ग्रीन जो कार्डधारी हैं, राशन कार्डधारी, ये जितने भी लोग हैं उनको जो है फ़ायदा मिलने वाला है। और क्या फ़ायदा मिलने वाला है ये उसके बारे में चर्चा करते हैं। विजुअल को थोड़ा फ्रेम में रखिएगा और दिखाइए, तब तक लोगों को दिखा दीजिए, पेट्रोल पंप का माहौल दिखा दीजिए। तब तक हम बताते हैं आपको कि 26 जनवरी से हर हाल में इसे लागू किया जाएगा। सरकार ने अब तक जो फैसला लिया है उसके तहत इसका लाभ गुलाबी यानी PHH राशन कार्ड धारियों को मिलेगा। इसके अलावा जो हरा राशन कार्ड वाले हैं उनको भी ये सब्सिडी मिला करेगी। सब्सिडी के रूप में ऐसे कार्डधारियों को 250 रुपये उपलब्ध करा दिया जाना है, यानी माह में 10 लीटर तेल और 1 लीटर तेल पर 25 रुपये के हिसाब से यह लाभ जो है वो दिया जाएगा। और मोबाइल के ऐप के ज़रिए ये जो सीएम सपोर्ट ऐप बनाया जा रहा है, ये सपोर्ट ऐप उन सभी लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो ग्रीन कार्ड और पिंक कार्ड राशनधारी हैं, राशन कार्डधारी, उनके लिए ये ऐप बना दिया गया है। उस ऐप पर आपको इन्फॉर्मेशन जो डालनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन दी जानी है। पहले तो 250 रुपये जो उपलब्ध कराए जाने हैं उसमें 10 लीटर तेल मिलेगा, उसमें 1 लीटर पर 25 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यह राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। मोबाइल के ऐप के जरिए लोग इसके लिए अपना नाम एंट्री कर सकेंगे। इसका लाभ NFSA और ISFSS का राशन कार्डधारी होना ज़रूरी है। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का प्रमाणित आधार संख्या अंकित होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, सारा कुछ आधार से लिंक होना चाहिए, जबकि आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से झारखंड में ही होना चाहिए। तो अगर ये झारखंड का ही है तो आप इसका लाभ जो है ले सकेंगे यहाँ पर, और यहाँ से बाहर का है तो इसके लिए हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई समस्या ज़रूर हो। कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी के लिए तैयार किए गए ऐप का नाम सीएम सपोर्ट स्कीम रखा गया है। सपोर्ट का फुल फॉर्म इस प्रकार होगा: SU से सब्सिडी, PP से परचेज ऑफ पेट्रोल और RT से राइडिंग टू व्हीलर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सुविधा जो शुरू की गई है, जो कि कहा जा रहा है कि पिंक और ग्रीन राशन कार्डधारियों के लिए, तो ये सिर्फ दो पहिया वाहन चालकों के लिए ही ये सुनिश्चित और सुदृढ़ की गई है, क्योंकि जो परेशानी पहुंचती है वो आम आदमी को ही पहुंचती है, जो मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय से नीचे निचले तबके के और निम्न वर्गीय स्तर के जितने भी लोग हैं उन्हें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और पेट्रोल के बारे में आप भी जानते हैं कि पेट्रोल जो है वो, थोड़ा सा इधर आ जाइए, धूप बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल जो है वो रिक्वायर्ड एनर्जी रिसोर्सेज में से एक है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों में से भी है, और इसकी खपत भी उतनी ही होती है, और खपत हो जाने के बाद फिर इसकी रिक्वायरमेंट भी उतनी ही होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग पिछड़े इलाकों में, आउटर इलाकों में रहते हैं, और वहाँ पर एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप की जो दूरी होती है वो कई बार कभी 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर और कभी उससे ज़्यादा भी होती है। तो ऐसे में अगर लोगों को 10 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा और हर लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, तो ऐसे में जो आप अभी 98 रुपया लीटर खरीदते हैं वो अगर आपको 71 या 72 रुपये में मिलता है, तो ऐसे लोगों की 25 से 30 रुपये की कमाई जो है वो बच जाती है, और वो कमाई अगर वो अपनी लागत में और अपनी सेविंग्स में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर भी हो पाती है। तो हम इस जो ये ऐप है और जो ये योजना जिसका लॉन्च कल किया जाएगा, सीएम सपोर्ट स्कीम जो है इसका एप्लीकेशन कल लॉन्च कर दिया जाएगा, और आप लोग अभी तक जो है 280 लोगों से ज़्यादा जो है लोगों ने सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है। भाई, हम कुछ और बातें करना चाहेंगे आपसे। इस ऐप पर गरीब परिवार आवेदन करेंगे, उनके आवेदन की दो स्तर पर जाँच होगी, पहली DTO के स्तर पर, दूसरी DSO के स्तर पर। DTO टू व्हीलर की सभी तकनीकी पक्षों की जांच करेंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर वैधता व अन्य जानकारी शामिल होगी। वहीं DSO द्वारा राशन कार्ड की वैधता और उसमें दर्ज जानकारियों की पुष्टि की जाएगी।
आवेदक को राशन कार्ड संख्या, परिवार के सभी सदस्यों का नाम, किसके नाम से कौन सा दो पहिया वाहन आपने लिया है, बैंक अकाउंट और अन्य जानकारी जो है वो आपको देनी होगी। जांच में तथ्यों की पुष्टि होते ही सब्सिडी के 250 रुपये लाभुक परिवार के खाते में पहले ही ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि डीटीओ महोदय के माध्यम से ये जांच किया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन जो है, जो किया गया है टू व्हीलर का, उसकी वैधता क्या है और जो बाकी जानकारी है वो की जाएगी। डीएसओ जो है उनके माध्यम से राशन कार्ड की जो जांच है वो की जाएगी और जितने भी लोगों के नाम पर राशन कार्ड है, जो संख्या है, परिवार के सभी सदस्यों का नाम उसमें सही है या नहीं, जानकारी और जो डिटेल्स है वो अगर उसमें सही मौजूद है तो ये 250 रुपये जो है ये सीधे जो वो गरीब है जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, जो लाभुक है, सीधे सीधे उनके अकाउंट में चला जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी की ये जो महत्वाकांक्षी पेट्रोल सब्सिडी योजना है, इसके लिए NIC ने ऐप तैयार किया है और जितने भी गरीब परिवार हैं इस पर आवेदन प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग के आहार पोर्टल पर 16 जनवरी तक 279 लोगों ने सब्सिडी के लिए आवेदन कर डाला है। आवेदनों की 2 स्तर पर जांच होगी, मैंने आपको बताया। 26 जनवरी से मुख्यमंत्री दुमका में लाभुक के खाते में सब्सिडी की राशि भेजकर इस योजना का शुभारंभ करेंगे। तो योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा ये हमने बता दिया है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये हमने बता दिया है, और एक बार फिर से बता देते हैं कि जो पिंक कार्ड और ग्रीन कार्ड राशनधारी हैं उनको ये दिया जाएगा और खासकर जो टू व्हीलर हैं, जो दो पहिया वाहन चालक हैं, उनके लिए ये जारी की गई है और सारी जो डिटेल्स है वो जांच की जाएगी और जांच करने के बाद ये जो 250 रुपये हैं ये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 10 लीटर पेट्रोल प्रदान किया जाएगा जिसमें प्रति लीटर 25 रुपये की छूट जो है वो आपको दी जाएगी। और ये जो CM सपोर्ट स्कीम, ये जो ऐप है, ये कल लॉन्च होगा, तो हमने सोचा कि त्वरित तौर पर जुड़कर आप लोगों के साथ ये जो जानकारी है ये साझा की जाए, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी और हमने लोगों से जो है उनके रिव्यू और ओपिनियन भी लिए थे और आपने देखा था कि किस तरीके से लोग इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि ये फोर व्हीलर्स वालों के लिए भी होनी चाहिए और लोगों के लिए भी होनी चाहिए। वेल, ये तो एक चर्चा का विषय है, इस पर अभी टिप्पणी या कटाक्ष हम नहीं करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इसमें हमने आपको सारी जानकारी प्रदान की है, इसमें हमने आपको ये बताया है कि आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जांच जो है वो 2 स्तर पे की जाएगी, एक DTO लेवल पर, एक DSO लेवल पर। DTO लेवल पर जो जांच की जाएगी उसमें गाड़ी, जो दो पहिया आपका वाहन है उसकी जांच की जाएगी, उसके कागज़ों की जांच की जाएगी। अगर DSO के स्तर पर जो जांच होगी उसके बारे में कहें तो आपके जो राशन कार्ड आपके घरों पर होंगे, राशन कार्ड धारियों की जानकारी जो है ली जाएगी, उसमें सदस्यों का नाम तरीके से मेंशन है या नहीं, एज वगैरह ये सभी चीज़ें मेंशन है या नहीं, और इन सभी चीज़ों की जांच कर लेने के बाद जब ये चीज़ें करेक्ट पाई जाएंगी और कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत इसमें नहीं होगी, तब जाकर आप लोगों के अकाउंट में 250 रुपये, खासकर ये जो जितने भी गरीब और लाभुक लोग हैं जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो गरीब परिजन है और परिवार है, उन्हें इसका लाभ मिल पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग अब अपने डेली जीवन में इतना कमाते होंगे, चाहे नौकरी करके, चाहे दुकान चलाकर, चाहे व्यवसाय करके, कि आप पर ये आर्थिक बोझ और आर्थिक तंगी नहीं पड़ रही है कि पेट्रोल 98 रुपये लीटर हो गया है, डीजल भी 98 या 100 रुपये लीटर हो गया है। लेकिन जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, पसीना बहाने वाले लोग हैं और जो मेहनत कश लोग हैं, उनके लिए ये राहत बहुत बड़ी राहत वाली बात हो सकती है। क्योंकि अगर प्रति लीटर तेल पर, प्रति लीटर पेट्रोल पर 20-25 रुपये अगर बचाने का मौका मिलेगा तो वो लागत वो कहीं और लगा सकेंगे, पालन पोषण में लगा सकेंगे, जीवन यापन में लगा सकेंगे और 2 वक्त अपने परिवार का पेट भरने में लगा सकेंगे। हमारे साथ इस लाइव का रिकॉर्ड कर रहे थे मंजीत, अन्य किसी टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव लाइव है तो खासकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देख भी लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जहाँ पर डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसका लाभ अधिकतर वही लोग ले पाएंगे जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और इन सभी चीज़ों से वो ताल्लुक और वास्ता नहीं रखते हैं। बहुत से लोगों के घर पे छोटे फ़ोन्स होंगे, जो फ़ोन नहीं यूज़ करना जानते होंगे, स्मार्टफोन का इस्तेमाल तक नहीं जानते होंगे। तो पढ़े लिखे लोगों से मैं नम्र निवेदन करूँगा कि आप लोग ऐसे लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आएँ, इनकी मदद करें और इन्हें योजनाओं के बारे में बताएं, क्योंकि कई बार योजनाएं बनाई तो इन्हीं लोगों के लिए जाती हैं, लेकिन जब इन्हें उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, जानकारी का अभाव होता है, तो कई बार इनके साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। मैं सृजन मिश्रा, जय हिंद दोस्तों।